हेलो एवरीवन, मैं रानू वर्मा एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज के इस चैप्टर में हम लोग मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो फायदे हैं। पहला, थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाता है, और दूसरा, एग्जाम में कम समय में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली चीज है कि जिस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मूला याद करिए। मुझे लगता है कि फॉर्मूले दो तरीके से याद हो सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। मेरे हिसाब से पहला तो आप खूब जल्दी जल्दी बोल करके देखिए, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा फनी लगता है, लेकिन आप अकेले में ऐसे करके देखिए, आपको याद होगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इन दोनों मेथड को एक साथ अपनाइएगा तो निश्चित ही आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए। अगर डेरिवेशन है तो कई बार डेरिवेशन को लिख करके प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ मोशन चैप्टर के सारा फॉर्मूला मैं एक जगह लिखती हूँ, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखो हमने क्या पढ़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन इसी को अगर हम कई एक्सपेक्ट में देखें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब एक ही फॉर्मूले से कई फॉर्मूले भी बनते हैं। फिर लिखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जो हमारे बाकी तीन मोशन के फॉर्मूले हैं, जिसको हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी पढ़ा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि इसमें हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए जो डिस्टेंस है उसको हम एक सर्कुलर पाथ के थ्रू नापते हैं। जैसे कोई एथलीट है वो एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस आप निकालिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस के लिए जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। फेरेंस हम कैसे नापते हैं, 2πr, तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल टू 2πr अपॉन t, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरा चैनल व्यू कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आपके कोई पैसे नहीं लगने पर उसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक जो कि 200 मीटर डायमीटर का है उसको 40 में एक सर्किल कंप्लीट करता है, लेकिन वो दौड़ता कितनी देर तक है, 2 मिनट 20 सेकंड। अब इसमें हमको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। जैसा हमने पहले कहा, दिए गए डेटा को नोट करिए। टाइम दिया गया है 2 मिनट 20 सेकंड, रेडियस आर 100 मीटर, इन 40 सेकंड एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड। 2 मिनट 20 सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पूरे एक जैसी यूनिट हमको रखनी चाहिए। 2 मिनट इक्वल टू 120 प्लस 20 सेकंड इक्वल टू 140 सेकंड। अब 140 सेकंड तक एथलीट दौड़ रहा है, 40 सेकंड में एक राउंड कम्प्लीट होता है, तो 140 सेकंड में कितना कम्प्लीट होगा, 140 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 140 सेकंड में। हमने सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कवर करने में क्या बताया था कि सर्कमफेरेंस को हम लोग नोट डाउन करेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, 2πr। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में एक 2πr लग रहा है, तो 3.5 सर्किल के लिए क्या लिखेंगे, 2πr मल्टीप्लाइड बाई 3.5। तो 2πr की वैल्यू रखते हैं, 2 × π की वैल्यू आपको पता होगी 22/7, और r क्वेश्चन में दिया गया है 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5, दैट वुड बी इक्वल टू 2200। इज दिस आंसर करेक्ट, मैंने यूनिट तो लिखा ही नहीं, हमको यहाँ पे यूनिट जरूर मेंशन करना है। तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, 2200 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। इसके बाद क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम क्या बताते हैं कि इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में तय की गई मिनिमम दूरी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चूंकि आधा सर्किल कंप्लीट किया लास्ट में उसने, तो जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी उसके जस्ट अपोजिट, मतलब डायमीटर जो हो गया उसके जस्ट अपोजिट वो खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डायमीटर के बराबर, एंड दैट इज 200 मीटर। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 km/h ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 km/h, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब्दुल स्कूल जाते वक्त 20 km/h की
स्पीड से जाता है और लौटते में 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उसी डिस्टेंस को कवर करता है। तो अब्दुल की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी? यहाँ पे बच्चों से क्या गलती होती है, जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस न्यूमेरिकल को लगा के नहीं आते तो 20+30/2 कर देते हैं वो, ये गलत चीज है। यहाँ पे इस तरीके से एवरेज नहीं निकलेगा। देखो पहले तो क्वेश्चन में हम लोग ये लिखे कि क्या क्या दिया गया है। एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल V1 = 20 km/h, ये हमारा दिया गया है। और स्कूल से घर आते वक्त एवरेज स्पीड क्या दी गई है? 30 km/h, यानी कि V2। अब देखो पूछा क्या गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब जितनी दूरी तय की गई है और उसको हम डिवाइड कर दे टोटल टाइम से। अब्दुल के स्कूल जाते में जो डिस्टेंस था वो कितना है? डी। चलो मानते हैं टाइम कितना लगा? T1। अब डिस्टेंस जितना जाने में था उतना ही लौटने में होगा, ठीक है, तो वो भी होगा D। और टाइम कितना लगा? चूंकि स्पीड बदल गई थी तो टाइम होगा T2। वी नो दैट टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल T1 = D/V1, द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है D और वेलोसिटी है 20। इसी तरीके से लौटते में टाइम क्या हमने माना था? T2। डिस्टेंस वही रहेगा तो D और वेलोसिटी क्या हो गई? 30, दैट इज V2। तो D/V2 = D/30। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया घर से स्कूल और स्कूल से वापस आने का? वो हो गया 2D। और टोटल टाइम कितना हो गया? T1 हमारा आया था D/20 और T2 आया था D/30, दोनों को एड ऑन कर लेंगे। अब देखो एवरेज स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस 2S = टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2D/D/20+D/30। अब इसको पूरा सॉल्व करिए और अपने आंसर को चेक करिए। इसका आंसर है 24 km/h। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अ मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 m/s² फॉर हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो क्या क्या चीज दी गई है? एक तो हो गया एक्सेलरेशन दिया गया है 3 m/s². टाइम क्या दिया गया है? 8 सेकेंड। कि कुछ डेटा स्टेटमेंट में हिडन भी होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या हो जाएगी? 0 m/s। अब आप इसको 0 m/s लीजिए या km/h लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 means 0। क्या पूछा गया है? तो क्या पूछा गया है? डिस्टेंस S = ?। अब देखो क्या इन सब डेटा से रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? मोशन के सारे फॉर्मूले एक बार जरा रिवाइज कर लो, रफ कॉपी में साइड में लिख लो। फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना कि जो डेटा दिया गया है, अगर फॉर्मूले में वो डेटा नहीं है और या उससे अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज पूछा गया है तो उस फॉर्मूले को मत इस्तेमाल करना। अब देखो V = U+80 तो हमारा लगेगा ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस कहीं है ही नहीं। सेकेंड फॉर्मूले को देखते हैं, 2As = V²-U². देखो इस क्वेश्चन में हमको टाइम दिया गया है एक फैक्टर जो कि इस इक्वेशन में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो हम ये लेंगे भी नहीं। और वैसे भी हमारे पास u तो ऑलरेडी 0 है, v भी हमको नहीं पता, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होगा। अब देखो थर्ड वन, S = UT+ ½AT². S पूछा गया है, U हमको पता है, T भी हमको पता और A भी पता है, यानी कि दिस इक्वेशन इज परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी वैल्यूज रख दो। अब चूंकि यहाँ पे सारी यूनिट मीटर और सेकंड में ही इस्तेमाल की गई है, इसलिए हमें यूनिट्स भी नहीं बदलना, तो आई थिंक ये सबसे आसान क्वेश्चन है। हम लोग लिखते हैं S = UT+ ½AT² S = 0 × 8 + ½ × 3 × 8² तो 8 = 0, आंसर आता है 96 m। लेकिन आप मेरे आंसर को डायरेक्ट ना लिखिए, आप खुद सॉल्व करके देखिए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि किसी न्यूमेरिकल को करने में हम लोग को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला तो है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी डेटा दिया गया है, जैसे स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लें, लेकिन नोट करते वक्त यूनिट भी जरूर लिखें। दूसरा है कि जितनी भी यूनिट्स हमने ली क्वेश्चन में मिली है, उसको एक ही यूनिट के सिस्टम में होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसमें 2 hours 20 seconds दिया गया था, जिसको कि हम लोगों ने एक यूनिट में बदला, यानी कि सेकंड में बदला। 2 hours 20 seconds को हमने 140 seconds में कन्वर्ट किया। फिर दूसरी चीज है कि आप उसको नोट डाउन करिए जो पूछा गया, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। अब आप देखिए कि क्या कोई छुपी हुई इंफॉर्मेशन भी दी गई है क्या इस क्वेश्चन में। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि
जो मोटर बोट है वो रेस्ट कंडीशन से मूव करती है। तो अब देखो यहाँ पे बताया नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है। रेस्ट से स्टार्ट करें जर्नी, तो रेस्ट की कंडीशन हम क्या मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स यू इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट नहीं दिया था, हमें क्वेश्चन पढ़ करके इस चीज को समझना पड़ा। फिर है किसी क्वेश्चन को पढ़ने से अगर आपको लगता है कि इसका एक स्केच यानी कि रफ डायग्राम भी बनाया जा सकता है तो आप उसको जरूर बनाइए, जैसे कि मैंने तीनों न्यूमेरिकल्स में डायग्राम जरूर बनाया है। अब ऐसा करिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपको याद है वो एक जगह रफ में लिख लीजिए। अब देखिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुश्किल से 3 या 4 फॉर्मूलेज होते हैं तो आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब यह ध्यान दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से लगेगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगना है इसको चेक करने का 2 बहुत आसान तरीका है। एक तो आप उसी इक्वेशन को ले जिसमें सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू हो, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एस की वैल्यू हमको नहीं पता थी बाकी सभी चीजों की वैल्यू हमको पता थी। हमको ऐसा इक्वेशन भी नहीं लेना चाहिए जिसमें क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया गया है और पूछा गया है उसके अलावा भी किसी चीज का जिक्र हो, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में जर्नी हो ही रही है, फाइनल वेलोसिटी v नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे 2as = v² - u² वाला इक्वेशन नहीं लेंगे। चूंकि v नहीं दिया गया है तो इसलिए फर्स्ट वन v = u + at ये भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करिए कि कौन सा इक्वेशन लागू होगा और कौन सा नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, CBSE की ये गाइडलाइन है कि अगर बच्चे ने पूरा क्वेश्चन अच्छे से किया है, आंसर सही दिया है लेकिन यूनिट नहीं लिखी है तो उसके आधे नंबर काट लिए जाएं। तो आप हर आंसर के साथ उसकी यूनिट जरूर 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 लिखिए। आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको कोई भी एक टफ क्वेश्चन लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।